जय गुरु। परम पिता को पाने से सब कुछ मिल जाता है, ये कैसे होता है? एक गुरु भ्राता श्री विजय कृष्ण राय के जीवन में हुआ था, उसके ऊपर आलोचना करेंगे। घटना 1935 की है। गुरु भ्राता श्री विजय कृष्ण राय, उनकी माँ, स्त्री, तीन भाई एवं एक लड़की आश्रम में रहते थे। परिवार में भीषण अभाव था। परिवार के सभी सदस्य का विचार था कि विजयदा आश्रम छोड़कर कहीं अन्यत्र रहते तो अर्थाभाव नहीं होता। विजयदा की लड़की को टाइफाइड हो गया था। विजयदा काफ़ी चिंतित रहते थे। विजयदा की स्त्री ने कहा कि माँ कहती है कि विजय के कारण ही हम सब कष्ट पा रहे हैं। विजयदा इस बात को सुनकर और अधर हो गए। विजयदा ने आश्रम छोड़ने का मन बना लिया। आश्रम छोड़ने में कष्ट भी हो रहा था। विजयदा रोने लगे कि इस समय से श्री ठाकुर ने एक भक्त इंदुदा को भेजा कि विजय को बुलाओ। विजयदा ने अतिशीघ्र श्री ठाकुर के नज़दीक जाकर प्रणाम किया एवं बैठ गए। श्री ठाकुर उस समय भक्तों से घिरे हुए थे। कुछ समय के बाद विजयदा को श्री ठाकुर घर के भीतर ले गए। श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य जब भी सुख चाहता है दुख उसके साथ लगा ही रहता है। परम पिता को पाने से सब कुछ मिल जाता है, उन्हें पा लेने के बाद अभाव नहीं रहता है। इस सुख दुख के ऊपर जो आनंद है वही वो उपभोग करता है, यही दुख का चरम समाधान है। तुम सुनो, मन में स्मरण रखो कि तुम्हें परमपिता सर्टिफाई करते हैं कि सब कुछ छोड़ दोगे किंतु तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। देखो, इस बात को बताने का समय आ गया है। आज तुम्हारे मन की जो अवस्था है इसी दुखी अवस्था में ही यह बात चिरकाल तक तुम्हें याद रहेगी। सुख के समय यह बात कहने पर भूल जाते। विजय, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ। विजयदा चित्कार कर रोने लगे कि परमपिता, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। श्री ठाकुर ने विजयदा के पीठ पर अपना हाथ फिराया और कहा कि तू ही साला बेचे गली, तुम साला बच गया। जय।